बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं टमाटो पेस्ट, जिसके लिए हमारे पास है तकरीबन 15 केजी जो टमाटर थे, जिनको हमने धो के तो थोड़े थोड़े करके देगचे में डाल के बॉईल किया, और अब इनका पानी खुश कर रहे हैं। और अभी हम इसको जो है हैंड ब्लेंडर से जो है इसको ब्लेंड कर लेंगे, ताकि जो है ये पेस्ट इक्वल बन जाए, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको हम पकाने के बाद खुश कर लेंगे। तो ये हमने जब टमाटर सस्ते थे तो लेके फ्रीज किए हुए थे, तो अब हमें रमज़ान की वजह से डीप फ्रीज़र में जगह चाहिए, तो इसलिए अब हम इनको इस तरह से पेस्ट बना के तो छोटे पैकेट जो हैं उनमें डाल के तो हम इनको रख लेंगे, ताकि स्पेस जो है हमारी कम घेरें और महफूज भी रहें। तो इससे पहले भी हमने तकरीबन 7-8 केजी जो है टमाटोस उनका पेस्ट बनाया था। ये देखें, इनको हमने इस तरह से ज़िपर में डाल के तो फ्रीज़ कर लिया था। अब हम इनके पीसेस जो हैं करके तो दोबारा से इनको पैक करके रख देंगे। अभी फ़िलहाल ये एक ही पीस में है, तो इसके छोटे पीसेस हम करेंगे और पैकेट जो है उसको सही तरह से दोबारा से पैक करके तो हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखें, टमाटरों का पेस्ट जो है ये तैयार हो गया। हमने इसको हैंड ब्लेंडर से जो है अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया, और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसमें हमने डाला 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच जो है सिट्रिक एसिड, और इसको अब हम ठंडा करेंगे और फिर इसके पैकेट बना के फ्रीज कर लेंगे। आप भी टमाटरों को जब सस्ते हों तो ले कर रख सकते हैं, और स्पेस कम हो तो इस तरह से उसको महफूज कर सकते हैं।